हेलो स्टूडेंट, मैं आपका एचआरई ट्रेनर चंदन। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हम जीएसएम टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, उसमें आपका 2G प्लस 2.5G तक डिस्कस किया था हमने जीएसएम के बारे में, ठीक है। जीएसएम टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है और इसका जनरेशन कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में आप पहले भी डिस्कस हो चुका है इससे पहले वाली वीडियो में। आज इसका रेस्ट पार्ट है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये तो इसका स्ट्रक्चर है जीएसएम टेक्नोलॉजी का। आज हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड जनरेशन है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इधर हम वन जनरेशन 1G और 2G की तो हम बात कर चुके थे, हम 2.5G की भी बात कर चुके थे, ठीक है। इसमें ये था कि थोड़ा सा इसको इनेबल करके, मतलब अपग्रेड करके 2.5G करके जो मोबाइल लॉन्च हुआ था, ये 2G और 3G के बीच का ये जनरेशन था, जिसमें कि कॉलिंग था, लेकिन इसमें एक नई चीज़ ऐड कर दी गई थी, ईमेल इसमें ऐड कर दिया गया था। मतलब इसकी स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि इससे ईमेल सेंड करना और एक्सेस करना आसान हो गया था। जैसे कि इसमें 2G में देखेंगे आप, 2G के बेनिफिट में तो इसकी स्पीड 6.4 KBPS थी, वो जाके 2.5G में 144 KBPS बढ़ गया था। उसके अलावा इसमें जो गाना डाउनलोडिंग का टाइम था वो हो गया था, मतलब ये इसमें था कि 6 से 9 मिनट में 1-3 मिनट का गाना, जो सुनने वाला गाना होता है, वो डाउनलोड हो जाता था। आज हम डिस्कस करेंगे मेन थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन तो हमारा फ्यूचर जनरेशन, अभी ये इंडिया में आया नहीं है, लेकिन हम इन दोनों पर बात करते हैं अभी, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये 2000 में आ गई थी इंडिया में, ठीक है। ये 2000 में आ चुकी थी, ठीक है। इस टाइम इसकी स्पीड हाई स्पीड थी, ठीक है। इसकी स्पीड थी यहाँ पे 15 to 20 MHz की स्पीड होती थी, ठीक है। मतलब जो डेटा स्पीड थी इसकी 2 MB/s, जो इसमें KBPS में चल रहा था, किलोबाइट पर सेकेंड में चल रहा था, जो 3G में आके ये सीधे मेगाबाइट पर सेकेंड में आ गया है, MBPS। अब ध्यान रखेंगे KBPS के बाद MBPS में आ गया डेटा 3G लॉन्च होते के साथ, ठीक है। इसकी बैंडविड्थ थी यह 15 से 20 MHz की होती थी, ठीक है। और इसमें जो इसकी जो मेन खासियत थी, आप देख सकते हैं, इट्स ऑल्सो ऑफर डेटा सर्विस एक्सेस टू टेलीविजन वीडियो न्यू सर्विस लाइक ग्लोबल रोमिंग, ठीक है। इन सब की ये जो टेलीविजन और वीडियो जो लाइव स्ट्रीमिंग थी, ये इसमें आ गया था, मतलब इनेबल हो गया था। इसमें आराम से आप टेलीविजन भी देख सकते थे और वीडियो भी कोई भी आप स्ट्रीम कर सकते थे। लेकिन था क्या कि उस टाइम इंडिया में जब 2000 में आया था, उस टाइम भी लोग 2G फ़ोन यूज कर रहे थे, और उस टाइम मैं मुझे भी याद है उस टाइम सबके पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। हाँ, 2005 में जब मैंने HCL को ज्वाइन किया था नोकिया के प्रोजेक्ट में, तब मैंने उस टाइम 3G फ़ोन देखा था, जो नोकिया का N70, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा नोकिया का N70, N72 और भी बहुत सारे मॉडल्स थे। जो मॉडल्स आए थे शुरू से में, वह N70 से काफ़ी सही तरीके से मार्केट में आया था, 2005 की बात बता रहा हूँ। लेकिन जो यह टेक्नोलॉजी थी और इस टाइप की मोबाइल फ़ोन था, ये 2000 में आ चुका था। उस टाइम शायद इंडिया में नहीं आया होगा, लेकिन 2005 में आ गया था। 2005 में 3G मोबाइल फ़ोन आया था, ना कि 3G टेक्नोलॉजी आया था, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आया होगा तो कुछ सिटी में रहा होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है सबके पास 3G टेक्नोलॉजी नहीं था उस टाइम। इसके कॉल रेट, कॉल चार्जेस और फिर डेटा स्पीड, डेटा चार्जेस तो वो बहुत महंगा होता था, मतलब कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। आपको याद होगा कि आज से अगर 5-6 साल पीछे जाओगे, तो आपको अगर 1GB डेटा रिचार्ज कराना होता था, तो आपको 200 से 250 रुपये पे करना पड़ता था सिर्फ 1 GB डेटा के लिए। इतना तो याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने यूज़ किया फ़ोन तो, ठीक है। तो उस टाइम डेटा रेट्स, मतलब चार्जेस भी काफ़ी महंगा था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब 3G आया, तो इसमें कई चीज़ें जुड़ गया, इसमें इसकी फैसिलिटी बढ़ गई। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी स्पीड सीधे 164 से 144 KBPS से सीधे ये 2 MB/s पे आ गया, ठीक है। टिपिकली स्मार्टफोन जब यह टेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ, तो स्मार्टफोन के साथ आ गया, जैसे कि आप स्मार्टफोन टच फ़ोन
इस्तेमाल करते हो, जिसमें दो दो कैमरा होता है, एक वीडियो कॉलिंग के लिए होता है, एक एक नॉर्मल फ़ोटो के लिए होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3G लॉन्च होते के साथ इसकी स्पीड बढ़ी, उसके बाद ये 2G से अपग्रेड होके, ये 2G जो जावा फ़ोन था उससे अपग्रेड होके ये 3G में आ गया। उसके अलावा ये देख सकते कि इसकी बैंड बैंड भी तो बढ़ गई। उसके बाद ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन और ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स भी इससे ट्रांसफ़र करना पॉसिबल हो गया, और जो एप्स वगैरह है वो भी आप इसके थ्रू एक्सेस करने लगे, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत तेज़ी से जो कम्युनिकेशन है वो प्रोवाइड करती थी, मतलब काफ़ी तेज़ी से कम्युनिकेशन स्पीड मतलब इस्टेब्लिश हो जाती थी। सेंड रिसीव लार्ज ईमेल मैसेज, मतलब कि इसे आप बड़ी ज़्यादा MB का जो मेल था, या ज़्यादा साइज में जो मेल था, वो आप इसे आप सेंड रिसीव करने लग गए ज़्यादा बड़ा। जैसे कि मेल की जो साइज होती है वो KB और MB में होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लार्ज ईमेल सर मैसेज, ठीक है। उसके बाद हाई स्पीड इसमें था, मोर सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी भी लग गया। जैसे आप लोग अभी अभी के फ़ोन में जो लगाते हो ना, टच पे लगाते हो, ऐप पे सिक्योरिटी लगा देते हो, और भी बहुत सारे सिक्योरिटी होते हैं वो लग जाते हैं। या उसके अलावा कुछ ऐसे ऐप्स आते हैं जिसके थ्रू भी आप मोबाइल में सिक्योरिटी कोड लगा सकते हो, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और 3D गेमिंग, ये सब पॉसिबल हो गया। उसके बाद लार्ज कैपेसिटी के ब्रॉडबैंड भी ये सपोर्ट करने लगा, जैसे वाईफाई के थ्रू टीवी स्ट्रीमिंग, लाइव टीवी स्ट्रीमिंग, या मोबाइल टीवी जो अभी चल रहा है, ठीक है, फ़ोन कॉल्स, ठीक है। डाउनलोड वही है कि जो म्यूजिक डाउनलोड करने का था, वह 3 मिनट का गाना आप 11 सेकेंड से 1.5 मिनट में आप डाउनलोड कर सकते थे इसमें, ठीक है, जो अभी तो और भी कम हो गया 4G आने पे, ठीक है। एक्सपेंसिव फीस फॉर 3G लाइसेंस, हाँ, जब ये आया था तो उस टाइम काफ़ी खर्चीला था, या इसका लाइसेंस लेना ऑपरेटर्स के लिए, ठीक है, ये थोड़ा खर्चीला था। इट वॉज चैलेंज टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरे देश में विकसित करने में थोड़ा चैलेंज था, नहीं हो पाया था। मुझे याद है कि 2014-15 तक भी ना पूरे इंडिया में ना पर्टिकुलर हर एक एरिया में 3G स्पीड नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। मैंने भी मोबाइल फ़ोन उस टाइम यूज किया था, तो जो स्पीड कुछ एरिया मिलता था वो हर जगह नहीं मिलता था 3G। तो उस टाइम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना मजबूत नहीं था, और ना स्पीड मिल पाती, ठीक है। हाई बैंडविथ रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसकी बैंडविथ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बैंडविथ की ज़रूरत थी इसमें, और खर्चीला था 3G फ़ोन उस टाइम, महंगा भी था, काफ़ी महंगा आता था, मुझे पता है। अभी तो आप लोग किस्तों पे ले लेते हो, मतलब इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, या फिर ऑनलाइन भी आप किसी मर्चेंट से लेते हो, तो आप मतलब दुकानदार के थ्रू या कैसे भी करके आप किस्तों पे भी ले लेते हो। और फ़ोन आपका अब आज के डेट में 4G फ़ोन 3,000 से लेके और आप 50,000 तक में भी आ जाता है, ठीक है, 4G फ़ोन की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस टाइम ये 3G फ़ोन इतना महंगा था कि अगर आपको 3G फ़ोन लेना है तो सीधे 14-15 हज़ार से शुरू होता था। मुझे पता है जब मैंने फ़ोन उस टाइम मैंने नोकिया N70 लिया था, तो वो उस टाइम 21,000 का आया था। मैंने लिया तो नहीं था, लेकिन मैंने उसकी प्राइस चेक किया था। लेकिन जो सस्ता वाला भी मोबाइल आता था वैसे ही वो आता था 16-17 हज़ार से स्टार्ट होता था। कुछ कंपनियों के आए थे जो बाद में सस्ते हो गए थे, जैसे स्पाइस मोबाइल था, या फिर अदर सैमसंग वगैरह बहुत सारे ने लॉन्च किया। जब कंपटीशन बढ़ गया तो मोबाइल थोड़े सस्ते हो गए, लेकिन जब तक ये सस्ता हुआ उसके बाद तो आपका 4G टेक्नोलॉजी आ गया। अब 4G टेक्नोलॉजी आ गया तो ये सब खत्म, मतलब इन सब की कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी आई थी तो लार्ज सेल फोन फ़ोन की साइज भी बढ़ गई, जो अभी भी है, जो अभी भी है, जो आप एक अभी जो 4G फ़ोन इस्तेमाल करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप स्मार्टफोन होता है 4.7 से लेके 6.9 mm सॉरी इंच तक की आपको LCD मिल रही है स्मार्टफोन में। तो उसी की बात हो रही है कि फ़ोन की साइज यहाँ पे बड़ी हो जाती, मतलब हो गई थी। तो यह है आपका, ये थोड़ा स्ट्रक्चर है, ये WCDMA का है, मतलब वही है 3G, WCDMA मतलब 3G। इसको आप नेट पे सर्च कर सकते हो, आपको बेटर तरीके से पता लगेगा। उसके अलावा मैंने आपको वीडियो दे ही दिया है, आज आज मैंने मॉर्निंग में ही आपको
इसकी वीडियो शेयर कर दी है 3G GSM की, और उसमें सारे फ़ोन से 1G 2G 3G 4G सबके बारे में बताया गया है और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वो हिंदी वाली वीडियो आप लोग देखा होगा आपने, और आप आपको बेटर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, ठीक है, जो आप सब यूज़ कर रहे हो। फोर्थ जनरेशन में आप यूज़ कर ही रहे हो सारे मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। 3G तो ख़त्म ही हो गया, अब जियो का सिम कार्ड जो आ रहा है या फिर एयरटेल वोडा, वो सब सबके सब 4G प्रोवाइड करा रहे डेटा स्पीड, और 2G के लिए भी एयरटेल और आइडिया जैसी कंपनियां वो 2G के लिए ही वो 2G के लिए भी काम कर रही है, ठीक है। जैसे छोटा फ़ोन होता है आपका डम्प फोन, डब्बा फ़ोन जो कहते हैं कीपैड वाले, वो 2G पे भी काम करता है, और आपके स्मार्टफोन में 4G टेक्नोलॉजी है तो 4G के लिए भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप देखें कि इसकी स्पीड सीधे 100 MB/s बढ़ गई थी, ठीक है। मतलब कि जो इसकी डाउनलोडिंग स्पीड थी 100 MB/s बढ़ जाती है, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 2 MB, मतलब कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे 10 गुना से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। उसके बाद आप इस सारे फीचर्स को देखेंगे इसमें, तो 3G शुरुआत होते के साथ ही ना आप यहाँ पे देख सकते हैं वायरलेस ब्रॉडबैंड एक्सेस हो गया, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, ये 3G में था, लेकिन यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है, वीडियो चैट ठीक है हो गया, समझ, मोबाइल टीवी ये भी 3G में था, यहाँ पे इसकी और अच्छी क्वालिटी हो गई होगी, HDTV ठीक है, हाँ ये तो आप जब भी कोई अभी आप देख रहे हो तो HD फाइल एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, आप लोग जब फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया पे लाइव करना चाहते हो तो यहाँ से आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो खुद को, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे है इसका मेन कि बहुत फास्टर, या 3G के मुकाबले बहुत फास्टर ये टेक्नोलॉजी आया था, मतलब ये अपग्रेड हो गया। उसके अलावा ये जो कैपेबल ऑफ प्रोवाइड 10 MB/s से 1G की स्पीड ये दे रहा है, ठीक है, मतलब इतनी स्पीड थी इसका 10 गुना, ठीक है। हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग वीडियो, मतलब कि हाई क्वालिटी, आप वीडियो 3G में भी देख रहे थे लेकिन इसमें हाई क्वालिटी की वीडियो, उसमें HD क्वालिटी की देख रहे होंगे तो इसमें HD क्वालिटी की वीडियो आप स्ट्रीम करने लग गए होंगे, या अभी होता है, मैं तो इसको चेक करता हूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी आती है वीडियो की, और आप डाउनलोडिंग भी कर सकते हो 4G में, ठीक है। उसके अलावा ठीक है वाईफाई और वाईमैक्स भी है इसके साथ, ठीक है, जो आप हॉटस्पॉट वगैरह बनाते हो यही है। हाई सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी सेम है, मतलब 3G में भी था 4G में, इसमें अभी बहुत सारे ऐप्स आ गए और भी चीज़ें हैं तो मैं सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाती है, ठीक है। प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सर्विस एट एनी टाइम एज पर योर रिक्वायरमेंट एनी वेयर, मतलब कि इसमें आसान हो गया कि किसी भी टाइप की अगर सर्विस हो, मतलब मोबाइल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से, तो इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आप ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है एज पर वैल्यू एडिड सर्विस के थ्रू, या जो भी कंपनी का अपना जो बिजनेस स्ट्रेटजी होता है, ठीक है। उसके अलावा एक्सपेंडेड मल्टीमीडिया सर्विस, मतलब इसमें जो मल्टीमीडिया सर्विस है उसकी साइज बढ़ा दी गई है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बड़ी फाइल आप भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। लो कॉस्ट पर बिट, इसकी जो डेटा रेट थी वो कम हो गई थी, वहाँ पे एक्सपेंसिव था, यहाँ पे साफ साफ लिखा है लो कॉस्ट, बहुत कम खर्चा आने लग गया इस टेक्नोलॉजी में आके। बैटरी यूज इज़ मोर, हाँ इसमें एक ये प्रॉब्लम हुई कि बैटरी का जो इस्तेमाल है वो बढ़ गया, मतलब कि जो बैटरी का इस्तेमाल है वो बढ़ गया, क्योंकि 3G या 2G फ़ोन में तो आप एक बार चार्ज कर लो मोबाइल फ़ोन, 2-3 दिन तो चल ही जाता था, ठीक है। मुझे याद है 3G भी जब नोकिया का 70 था तो अगर फुल चार्ज है, अगर ज़्यादा उसका मतलब नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो 2-3 दिन चलता था, लेकिन यहाँ पे आप स्मार्टफोन में पूरे 5 से लेकर 7 इंच की LCD का इस्तेमाल कर रहे हो तो इतनी बड़ी साइज पे पावर सप्लाई के लिए, मतलब पावर सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ज़्यादा होगा, और उसके अलावा जो उसमें अब इतने सारे फीचर्स जुड़ गए हैं, हाई स्पीड से डेटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फिर आप डाउनलोडिंग अपलोडिंग कर रहे हो, या फिर जो भी आप उस पर गेम वेम खेल रहे हो, तो बैटरी का यूज बढ़ गया था, ठीक है। हार्ड टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, ये मतलब हार्ड टू इम्प्लीमेंट, मतलब इसको मतलब बढ़ाने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को, लेकिन सब कुछ अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया 2016 के बाद से। नीड टू कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर, ठीक है, हाँ नीड टू कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर,
इस मोबाइल फ़ोन को खोलोगे ना तो इसके जो हार्डवेयर है ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आप देखोगे जब इस पर प्रैक्टिकल करोगे तो पता लगेगा कि आज की डेट में जो इसके सीपीयू प्रोसेसर सीपीयू या फिर रैम वगैरह वगैरह है ना एक में कई बार कंबाइन कर दिया गया है और कुछ में अलग अलग है तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, उसके अलावा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट नेक्स्ट जनरेशन वर्क। ठीक है, इसका जो इक्विपमेंट था वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, यही है। आप देख सकते हैं कि ये फोर्थ जनरेशन ये आर्किटेक्ट है। ठीक है, और आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं कि ये सब सेलुलर एरिया मोबाइल फ़ोन का ये अब एक देख सकते हैं ये यहाँ से मोबाइल कनेक्ट है इस एरिया से, इस एक एरिया का ये है और दूसरे एरिया है डब्ल्यू लेन का, इसमें ये मोबाइल फ़ोन कनेक्ट। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसमें आप जब जो मैंने वीडियो दिया है GSM मोबाइल फ़ोन वर्किंग का उसको देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि कई चीज़ें तो मुझे नहीं दिख रही यहाँ पे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी BSC MSC BTS इन सब के बारे में उस वीडियो में क्लियर है तो आप देख लेंगे। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है। ठीक है, तो फ्यूचर जनरेशन में था क्या कि था क्या, अभी तो आया नहीं तो था कहाँ से आज हो जाएगा। मतलब कि सॉरी, अभी फिफ्थ जनरेशन जो है अभी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो शायद 2021-22 तक हमारे इंडिया में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिफ्थ जनरेशन विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम लेट 2010 में इसके बाद से शुरू हो गया था फिफ्थ जनरेशन, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, अलग कंट्री, जैसे कि ये आप इसको कह सकते हैं कोरिया में कह सकते हैं, साउथ कोरिया, अमेरिका, चाइना या जो फिनलैंड जैसी या कुछ यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी आ चुकी थी या इस पे काम शुरू हो चुका था। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन पे ये 2010 में ही। ठीक है, और उसके अलावा जो इसकी स्पीड है हाई, इट इज़ ए हाई सपोर्टेबल डब्ल्यू, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड है। यहाँ पे अभी पर्टिकुलर कुछ लिखा नहीं है कि कितनी रहेगी, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि मतलब मैंने एक जगह पढ़ा था तो यहाँ पे लिखा था GBPS में आएगी स्पीड, मतलब जो 4G है ना उसका भी 100 गुना बढ़ जाएगा स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है लेकिन आप गूगल करोगे या फिर यूट्यूब पे देखोगे तो आपको इसका पता लग जाएगा। ठीक है, उसके अलावा प्रोवाइड लाइव ब्रॉडकास्टिंग इन डाटा GBPS, मैंने कहा था ना GBPS में आप इसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, उधर MBPS में था 4G में, इसमें GBPS, जीबी मतलब कि गीगाबाइट पर सेकेंड। ठीक है, उसके अलावा मल्टीमीडिया सर्विस, न्यूज़पेपर, ये सब ये तो अभी भी हम 4G में यूज़ कर रहे, मतलब इसका इस्तेमाल कर रहे, लेकिन यहाँ पे HD क्वालिटी एनी टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियरिटी और एकदम बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, फास्टर डाटा ट्रांस, मतलब अगर आपका डेटा स्पीड बढ़ जाएगा तो सब कुछ आसान है। ठीक है, उसके अलावा लार्ज मोबाइल फ़ोन मेमोरी और डायलिंग स्पीड, क्लियरिटी इन ऑडियो वीडियो, मतलब कि ये फ़ोन 5G अभी लॉन्च हो चुका है इंडिया में। ठीक है, सैमसंग, रेडमी या अदर भी बहुत सारी कंपनियां हैं, हुआवे वगैरह, ये लॉन्च कर चुकी है 5G मोबाइल फ़ोन। ध्यान रखेंगे कि अभी 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, तो आने वाले शायद नेक्स्ट ईयर 2021 में या फिर 22 में आ ही जाएगा। तो कंपनी अपनी मार्केटिंग बना रही है, धीरे धीरे 5G फ़ोन बेच रही है और बेचना भी स्टार्ट हो चुका है, 2 महीने पहले लॉन्च हो चुका है। लेकिन अभी ये 5G टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारे यहाँ भी नहीं कर रही है और ना भी कोई मेन सिटी में इसका मतलब इसको स्टार्ट किया गया है। हो सकता है आने वाले कुछ मंथ में ये जनरेशन इंडिया में लॉन्च हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप बाहर के देशों में देख रहे हो तो वो यहीं पे वहाँ पे हो चुका था। ठीक है, स्टार्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोन की मेमोरी बढ़ जाएगी। हालांकि आप सब जानते हैं कि अभी 64 बाई 64, मतलब कि 4 GB रैम के साथ 64 GB भी आ रहा है, या 6 6 GB रैम के साथ 120 GB का आपका इंटरनल स्टोरेज आ रहा है। तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी ये साइज़ फ़ोन की साइज़ और मेमोरी दोनों बढ़ी हुई है, स्पीड ही आपकी बढ़ जाएगी, डायलिंग स्पीड जो भी है, मतलब वॉइस कमांड पे भी ये अभी भी चल रही है और आगे भी ये मतलब चलेगी। ठीक है, और ऑडियो वीडियो तो ये क्लियर आपको मिलेगा इस स्पीड में, आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने ये आपको PPT ये इसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दिया है, तो आप यहां से बेटर क्लियरिटी के लिए आप यहां से इसका ये डेटा स्पीड आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि आप यहां पे देख सकते हैं कि जब 1970 से 80 के बीच 2G, 1990 से 2004 के बीच रहा, उसके बाद 2004 से 10 के बीच
3G चला, अभी हम 4G चला ही रहे हैं और जल्दी आने वाला है 2020 तक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आप देख रहे हो कि इंडिया में 2020 तक, लेकिन 20 ख़त्म होने वाला है, कुछ कारणों से यहाँ पे लॉन्च नहीं हो पाया है अब तक। तो आई होप कि 2021 में, स्टार्टिंग में नहीं तो लेकिन मिडिल में या फिर एंडिंग में, 2021 के एंडिंग में 5G लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2020 टाइम दे रहेगा, तो आप इस जनरेशन के हिसाब से आप स्पीड यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा ना 1 GB पर सेकेंड यहाँ पे, ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पे 100 MB पर सेकेंड से 1 GB तक था, लेकिन इतना तो मिलता नहीं, लेकिन जब 5G आएगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी। बाकी ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इसमें, इसका मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया 2 दिन पहले, तो उसमें आप इसको अच्छे से देख सकते हो और इसको याद करके आप मतलब अपने इंटरव्यू के टाइम में आप काफ़ी ये बेनिफिट देगा आपको। इंटरव्यू में आपको ये 3G 4G के बारे में पूछ सकता है, क्या था, क्या क्या मतलब इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या क्या ईजी हो गया था, इसके बारे में आपको थोड़ा याद रखना है। उसके अलावा व्हाट इज 5G, वही है कि 5G क्या, तो मैंने इसमें बता दिया कि ये सब स्पीड इसमें बढ़ गई थी और कई चीज़ें ईजी हो गया था। फ्यूचर की बात करते हैं यहाँ पे, तो फ्यूचर ऑफ 5G, हाँ यहाँ पे, तो इसमें यह है कि 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग द 25 MB पर सेकेंड कनेक्टिविटी स्पीड, जो आपकी कॉलिंग की जो स्पीड है ना, कॉलिंग करने की, वो 25 MB पर सेकेंड हो जाएगी। और इसकी है टेक्नोलॉजी हाई रेजोल्यूशन सेल फोन यूज फॉर बी डायरेक्शनल लार्ज बैंडविड्थ, मतलब कि इसकी बैंडविड्थ भी जो नेटवर्किंग के लिए यूज होता है, कॉलिंग के लिए, काफ़ी बड़ी हो जाएगी और हाई रेजोल्यूशन के साथ होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आप इसको देख लीजिए स्पेसिफिकेशन में, डाटा पीक डाटा रेट आपका नेटवर्क कैपेसिटी रहेगा 10,000 टाइम करंट नेटवर्क, ठीक है। अभी पीक डाटा रेट 10 GBPS रहेगा, सेल एज डाटा रेट 100 MBPS और लेटेंसी रहेगा रहेगी 1 MBPS, ठीक है। उसके अलावा इसमें आप देखेंगे हार्डवेयर सब, क्योंकि ये सब फ्यूचर अभी प्लान है, तो इसको अभी तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जब तक इस पर आप काम नहीं करोगे आप अच्छे से इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, 5G में आप इतना याद रखते हैं कि इसमें स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमें हाई क्वालिटी का और क्लैरिटी का डेटा मिलेगा, हम ट्रांसफर कर सकते हैं और कई चीज़ें आसान हो जाएगी। जैसे कि आप अभी घर में सबके स्मार्ट TV आने लग गया, स्मार्ट वॉचेस आने लगे और चीज़, तो उस टाइम क्या होगा कि इस कनेक्टिविटी से ना आप अपने, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप अपने घर की लाइटों को, अपने कार को, या अपने घर के डोर लॉक को, या कई चीज़ें इसको आप ऑपरेट कर सकते हो और इसकी सिक्योरिटी काफ़ी आसान हो जाएगी। जैसे कि ट्रेन में आजकल देख रहे हो कि अब GPS ट्रेन में भी कैमरा लगने लग गया है और GPS के थ्रू उस पर नज़र रखी जा रही, तो GPS किसी का पोजीशन मतलब लोकेट करना और या उसको देखना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। मतलब कि 5G आने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी और जो टेक्नोलॉजी रहेगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रहेगी, वो उस टाइम काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएगी। ईजी मीन्स कि जो आज की डेट में आप रोबोटिंग देख रहे हो कि आप मतलब आप नेट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो या फिर उसको ऑपरेट कर सकते हो, तो जैसे कि अभी आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी तो उसमें देखे होंगे कि कार में भी कुछ ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होने लग गया है, जो अपने मोबाइल फ़ोन से इसको स्टार्ट करना या फिर डायरेक्शन देना या अदर टाइप की फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन से ही इसके डोर को लॉक कर देना या फिर खोल देना, बहुत सारी फैसिलिटी है। तो जब ये इंडिया में आ जाएगी तब इसके बारे में बेटर तरीके से हम जान पाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।